दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है, किसानों की आर्थिक सेहत के लिए बूस्टर डोज बन सकती हल्दी की खेती। पिछले 5 सालों में डबल से अधिक हुआ है हल्दी का निर्यात, अर्थात भारत की हल्दी विदेशों में बेची जा रही है। भारतीय मसालों की पूरी दुनिया है कायल, लेकिन कोरोना की वजह से हल्दी जैसे कुछ कृषि उत्पादों की मांग में भारी उछाल आया है, क्योंकि इसका इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल बढ़ा है। इसकी मांग में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में इजाफा हुआ है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण बताए जाते हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कोरोना गया नहीं है, ऐसे में हल्दी की खेती किसानों की आर्थिक सेहत के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। इसकी देखरेख मसाला बोर्ड की रिपोर्ट करती है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 साल में हल्दी का एक्सपोर्ट 2 गुना से अधिक हो गया है। दुनिया की 80% हल्दी पैदा करके भारत इस मामले में वर्ल्ड लीडर है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी भारत में पैदा होती है और इसके निर्यात में 60% से अधिक का शेयर भारत का है। कोरोना संकट काल में यह दबदबा और बढ़ गया है। भारत से पहली बार दूसरे देशों ने 1,83,000 टन हल्दी खरीदा है। बदले में भारत को 1,676.6 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली है। भारत से हल्दी खरीदने वाले देश हैं बांग्लादेश, UAS, ईरान, मलेशिया, मोरक्को, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंग्लैंड, जर्मनी, श्रीलंका, नीदरलैंड, जापान, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, इराक एवं ट्यूनेशिया। ये सभी देश भारतीय हल्दी के सबसे बड़े मुरीद हैं। और वहीं भारत में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र में होता है, जबकि हल्दी का सबसे उत्पादक जिला तेलंगाना का निजामाबाद है। वहाँ देश की सबसे ज़्यादा हल्दी पैदा होती है। इस प्रकार हल्दी का उत्पादन किसानों के लिए बूस्टर डोज का काम कर सकता है। आप अपनी खेत की मेड़ में हल्दी के पौधे लगाएं, हल्दी का बीज लगाएं और इसे अपने खाने तथा बेचने के उपयोग में ले सकते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, अब आप छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय मिन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा आयोजित की गई है। 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के लिए होंगे पात्र, जिसको 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी यदि आप इस चयन परीक्षा में पास होते हैं तो। इसके लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 3 जनवरी 2022 बताई गई है। वहीं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2022 है और परीक्षा 18 फरवरी 2022 को होगी। यह अपने स्कूल में ही होगी परीक्षा। कोई भी स्कूल का विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं में पढ़ता है वह इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्कूल के प्राचार्य से मिलें और इस चयन परीक्षा में शामिल होकर के छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव के प्रचार में, पोस्टर में, होर्डिंग में प्रत्याशियों के लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन चुनाव टलने से अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नीमच जिले से खबर है, नीमच जिला पंचायत में वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रही संध्या तरुण बाहेती को छाता चुनाव चिन्ह मिला है। वे पहले से ही प्रचार कर रही हैं, होर्डिंग, स्टिकर, पोस्टर के साथ दिल्ली से प्रचार सामग्री को भी बुलवा लिया। 8 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने प्रचार सामग्री जुटवा ली, लेकिन अब परेशान है कि चुनाव का क्या होगा। यह स्थिति अकेले नीमच की नहीं है, यह स्थिति पूरे प्रदेश के प्रत्याशियों की है। पंचायत चुनाव के लटकने से प्रत्याशियों की धड़कनें और बढ़ गई हैं। इसी चरण के चुनाव में कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव में लगभग 4 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाने हैं, जिसमें जिला पंचायत सदस्य के जो 52 जिलों में चुने जाएंगे वे 859 होंगे। जनपद पंचायत सदस्य 313 जनपदों में 6,727 होंगे। सरपंच 22,881 ग्राम पंचायतों में 22,881 होंगे। वहीं पंच जो कि 22,881 पंचायतों में 3,62,754 पंच चुने जाएंगे। इस प्रकार से लगभग 4 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। चुनाव के टलने से ये सभी प्रत्याशी बहुत परेशान है, असमंजस में है कि चुनाव का क्या होगा। वहीं मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, दुबई की कंपनियां मध्य प्रदेश में करेंगी निवेश।
धार जिले और इंदौर जिले में तलाशी जा रही है इसके लिए जमीन। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। लॉजिस्टिक हब के क्षेत्र में काम करने वाली दुबई की बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करने जा रही हैं। इसके लिए धार जिले और इंदौर जिले के आसपास जमीन की तलाश की जा रही है। इस संबंध में अधिकारियों की 17 दिसंबर को बैठक हो चुकी है। उधर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। अगले माह उनके प्रतिनिधि भोपाल आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी निवेश के प्रस्तावों पर काम चल रहा है, जो कि प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में बच्चों को भी लगेगी अब वैक्सीन। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिविर लगाकर 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को लगाए जाएंगे टीके। मध्य प्रदेश के स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। उनका तर्क है कि घर घर जाकर बच्चों को ढूंढना मुश्किल होगा, बल्कि स्कूलों में कैंप लगाकर टीके लगाए जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। मंत्री जी ने प्रस्ताव में मांग की है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल में ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 3 जनवरी से स्कूलों में कैंप लगाने के लिए कहा गया है। मंत्री परमार जी ने कहा कि जो जिस स्कूल में पढ़ता है उसे उसी स्कूल में टीका लगाया जाएगा। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। स्कूल प्राचार्यों से 3 दिन के अंदर बच्चों की संख्या मांगी गई है ताकि कैंप लगाया जा सके। मंत्री जी ने कहा कि हमने शिक्षकों के लिए भी स्कूल में कैंप लगवाकर टीकाकरण कराया था, तो बच्चों के लिए भी इसी प्रकार से स्कूलों में कैंप लगवाकर टीकाकरण कराया जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि स्कूल में बच्चे आसानी से मिल जाएंगे। अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनके अभिभावकों से शिक्षक संपर्क कर उन्हें टीकाकरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चे 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत रहते हैं। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी, निजी व CBSE स्कूलों में करीब 40 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको टीका लगाया जाना है। मंत्री जी ने कहा कि सरकारी व निजी स्कूलों में कैंप लगाएं। प्राचार्यों को बच्चों की गिनती करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। शिक्षक अब इस कार्य में जुट गए हैं। साथ ही कैंप के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को बच्चों की सूची सौंपी जाएगी ताकि उनके लिए टीका उपलब्ध कराया जा सके। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी व्यवस्था है। यदि बच्चों को स्कूलों में ही टीका लग जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है याचिका। 3 जनवरी को होगी सुनवाई, हो सकता है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में आए दिन नए नए मोड़ आ रहे हैं। OBC आरक्षण का मामला हो या फिर रोटेशन की प्रक्रिया का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। शिवराज सरकार और कांग्रेस के बीच मचे घमासान के बीच अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी पंचायत चुनाव में एंट्री ले ली है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण की याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। इधर OBC वोटरों की गिनती के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 7 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और पंचायतवार व वार्डवार जानकारी मध्य प्रदेश शासन को भेजी जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर रोक लगाए जाने के मामले में लगाई गई याचिका पर नए साल में यानी 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। इससे पहले एक तरफ राज्य सरकार द्वारा इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। केंद्र सरकार के पंचायत चुनाव में एंट्री लेने से थोड़ी सी आस लगी हुई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने या नहीं कराने का निर्णय कानूनी सलाह लेने के बाद किया जाएगा। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर टिक गई है कि अगला फैसला क्या होगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।